السلام अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातु. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین आज के इस प्रोग्राम में एक अहम जरूरत से متعلق चंद बातें पेश خدمت देव मत हैं हम जानते हैं कि हम में से हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है किसी भी दीन, किसी भी मजहब का मानने वाला हो इससे इनकार नहीं कर सकता और दूसरी बात हर शख़्स के पास माल होता है चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो वो अमीर हो या गरीब हो औरत हो या मर्द हो हर एक के पास कुछ ना कुछ माल होता है सवाल ये है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए मौत आ जाए तो अब वो माल किसके पास जाएगा तो इसके लिए हमेशा से हर दौर में कोई ना कोई कानून जाबता रहा है कि जिससे मरने वाले के माल को उसके वारसीन तक मुंतक कर दिया जाता था हर तहज़ीब हर कल्चर के मानने वाले हर दीन और धर्म के मानने वालों के यहाँ कोई ना कोई वरासत को तकसीम करने का कानून है ऐसे ही हर कंट्री और मुल्क के जो कवानीन होते हैं उनके यहाँ भी वरासत कैसे तकसीम हो, उसके लिए पूरा जबता मौजूद है लेकिन हमारे यहाँ दीन इस्लाम जिसको हम फॉलो कर रहे हैं जो अल्लाह का दीन है अल्लाह के तमाम बंदों के लिए है इसके अंदर भी अल्लाह आलमीन ने इसी ज़रूरत के पेश नज़र क़ानून वरासत यानी वरासत कैसे तकसीम किया जाए इन तमाम चीज़ों को बड़ी तफसील से ज़िक्र फरमाया है औरों के यहाँ जो क़ानून है जिनके यहाँ वरासत के तकसीम करने का जो निज़ाम है उसके मुकाबले में जब हम दीन इस्लाम के वरासत के तकसीम करने के का क़ानून को देखते हैं तो कुछ अहम चीज़ें सामने आती हैं कि इस्लाम के निज़ाम वरासत में कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो दूसरों के यहाँ नहीं हैं मसलन इस्लाम का जो कानून है वो अल्लाह की जानिब से नाजिल करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने पूरी इंसानियत को पैदा फरमाया है लिहाजा किस इंसान की क्या ज़रूरत है और उसको कितना माल मिलना चाहिए वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता लिहाजा जब अल्लाह आलमीन ही तमाम लोगों को पैदा किया है तमाम लोगों के ज़रूरियात से वाकिफ़ है तो ऐसी सूरत में जो कानून अल्लाह आलमीन बनाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट और सही होगा वो पूरा इंसाफ़ पर होगा अल्लाह आलमीन ने हकीम में फरमाया, शाय फ़रमायाबाक फ़रील इलाकन अलीमन हकीमा कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे इनमें से कौन तुम में सबसे ज़्यादा नफा के अखबार से करीब है वो तुम नहीं जानते अल्लाह ये अल्लाह आलमीन की जानिब से नाजिल करदा है और लाह जानने वाला है और हकमत वाला है तो ये एक ऐसी खसूसियत है जो दूसरे मजाहिब के निज़ाम वरासत को हासिल नहीं है यानी उनका कानून उमूमन इंसानों ने बनाया है और इंसान हर शख्स की ज़रूरत से सही मानों में वाकिफ नहीं होता उसका बनाया हुआ निज़ाम चंद दिनों के लिए होता है और उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें तब्दीली की ज़रूरत पेश आ जाती है जबकि अल्लाह आलमीन ने जो बनाया है उसमें ऐसा मामला है कि उसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं ये क़्यामत तक के लिए है दूसरी एक अहम खसूसियत ये भी है कि इस्लाम का निदाम कानून ये इंसाफ़ पर मबनी है अदले पर मबनी है ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों को बराबर बराबर हिस्सा दे दिया जाए जैसा कि दूसरों के यहाँ है कि बेटा बेटी या तमाम लोगों को बराबर बराबर हिस्सा लगा कर दे दिया जाता है इस्लाम ने ये बात नहीं की है इस्लाम ने ये बात कही है कि जो जदना ज़्यादा ज़रूरतमंद है या जिस पर जितनी ज़िम्मेदारी है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए और जिसकी कम जिम्मेदारी है उसको कम मिलना चाहिए इसी बुनियाद पर आप देखेंगे अल्लाह रबालमिन ने कुरानीम मेंसाद फ़रमायाूसी कुमलफ़ी औला करीमसन कि अल्लाह तुम्हें वसीयत फरमाता है कि तुम्हारे माल में से जो औलाद हैं जो लड़के हैं उनको लड़कियों के मुकाबले में डबल मिलेगा क्यों इस बुनियाद पर कि लड़कों की ज़िम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं इनको कमा करके अपने बच्चों को भी खिलाना होता है वालदेन को भी खिलाना होता है और अगर बहन उनके यहाँ है तो उनको भी खिलाना पड़ता है जबकि औरतों का मामला ये है कि उनको खर्च करने का मौका नहीं मिलता जो कुछ उनके पास आता है मतलब महर की रकम उनके पास आती है वरासत की रकम आती है इस बुनियाद पर उनको थोड़ा कम भी मिले तो उनका चल जाता है ये है इस्लाम का अदल जो ये कहता है कि जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतना दिया जाए जिसकी कम ज़रूरत है उसको कम दिया जाए हमें इस्लाम के इस इंसाफ़ पर मबनी क़ानून वरासत से मुतक जानकारी हासिल करने और उस पर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन तकबर रबालमीन ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें